ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय टू चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों यदि आप लोग अप्रैल मई जून में ट्रेन से सफर करना चाहते हैं और वो भी आप लोग चाह रहे हैं कि तत्काल टिकट बुक करके हम ट्रेन में सफर करें, तो ये वीडियो आप लोगों के काफी हेल्पफुल हो सकता है, जिससे कि आप लोगों को तत्काल टिकट बुक करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है। दोस्तों रेलवे इस टाइम कर क्या रहा है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप फाइनल पेमेंट पे आ जाते हैं। मान लो आपको SBI से पेमेंट करना है बैंक से, तो आप देखते हैं कि पेमेंट ऑप्शन पे SBI को हटा दिया जाता है या फिर पेटीएम भी हटा दिया जाता है। आखिर क्यों, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे बार बार या फिर, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आने वाले अप्रैल मई जून में तत्काल टिकट बुक करना काफी मुश्किल है और जितने भी तत्काल टिकट बुक किया जाएंगे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर एजेंट के द्वारा ही तत्काल टिकट बुक किए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेट में उसे सेल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे को पता होता है कि जितने भी टिकट तत्काल टिकट बुक किया जा रहा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर तरीके से इसे भेजते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है फिलहाल में जो हम बैंक यूज कर रहे हैं यानी कि तत्काल टिकट जो बुक हो रहा है सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन किस बैंक से हो रहा है, यानी कि फोन पे वर्क कर रहा है या फिर पेटीएम वर्क कर रहा है या फिर SBI वर्क कर रहा है, उन्हें पता होता है। इसीलिए यहाँ पे रेलवे कर क्या रहा है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कई बार वहाँ पे कुछ पता है कि SBI बैंक फास्ट वर्क कर रहा है तो SBI बैंक को कुछ टाइम के लिए वहां से हटा देता है, जिससे कि आम पब्लिक हो जिससे नॉर्मल तरीके से तत्काल टिकट बुक कर सके, क्योंकि जितने भी एजेंट होते हैं या फिर जो तत्काल टिकट बुक करते हैं इनलीगल तरीके से, उन्हें ऑलरेडी पेमेंट ऑप्शन फिल रहता है और उसे कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं होता है, और जो बैंक वर्क कर रहा होता है उसे ऑलरेडी पता होता है और वो बैंक सेव करके रखे होते हैं, जिससे कि वो ना ही उसे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ना ही उसे पेमेंट डिटेल फिल करना होता है, क्योंकि उस टाइम अगर SBI से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है और SBI बैंक हटा देता है और काफ़ी लोग वहाँ पे SBI बैंक या फिर फोनपे या फिर पेटीएम यूज कर रहे होते हैं तो वो बैंक सारा रिजेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। और आप लोग जो भी अब IRCTC वेबसाइट से या फिर रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करेंगे तो जो करेंट में जो बैंक वहाँ पर शो कर रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाएंगे और उस बैंक को सेलेक्ट करके आप इसी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे रेलवे कर क्या रहा है, जो करेंट में जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन जिस बैंक से हो रहा है, जो ट्रांजेक्शन काफ़ी तेज OTP दे रहा है फिर मैसेज आ रहा है, उस बैंक को फिलहाल में हटा दे रहा है। यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को 4 से 5 मिनट पहले एक बार लॉगिन कर फाइनल पेमेंट तक जाना है और इसके बाद वहाँ पे देख लेना है कौन कौन से बैंक वहाँ पे शो कर रहा है और कौन कौन सा बैंक नहीं कर रहा है। यदि जो बैंक वहाँ पे शो कर रहा है और उसी बैंक से आपको पेमेंट करना है। ऐसा आज के वीडियो बस इतना, वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।